तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुल गुप्ता जी। आज हम आए फिर से एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाएंगे गोभी के समोसे। तो चलो दिखाते हैं आपको वीडियो रेसिपी, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमने जो है गोभी ले ली है, इस गोभी को हम फ्राई करेंगे। ये आधी किलो गोभी है, तो चलो अब इसको फ्राई कर लेते हैं पहले। तो गाइस, हमने कढ़ाई ले ली, इसके अंदर हमने एक चमचा तेल डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं एक टीस्पून जीरा, और अब इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च। तो गाइस, अब इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च। ये 5 से 7 हरी मिर्च हमने काट ली थी और वो डाल दिया अब इसमें ऑयल में। तो गाइस, अब इसमें डाल देते हैं अदरक, ये हमने अदरक घिस ली थी। अब हम इसमें डाल देते हैं हींग, तो थोड़ी सी हींग ले रहे हैं हम, ये डाल देते हैं इसमें। और अब हम इसमें गाइस गोभी मिला देते हैं जो हमने घिसी थी। ये गोभी है, अब हम इसमें डाल देते हैं। हमने जो गाइस सारी जो गोभी हमने इसमें डाल दी है कढ़ाई में, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गाइस, अब हम इसमें डाल देते हैं नमक 2 टीस्पून, बाकी आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं। गाइस, अब हम इसमें पिसी धनिया ऐड कर देते हैं। तो अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देते हैं, इसको अच्छे से चला लेते हैं मसालों को। तो गाइस, अब हम इसमें पिसी खटाई ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून। और जो हमने पिसी धनिया डाली थी गाइस, वो 2 टीस्पून डाली है, 4 टीस्पून नहीं डाली है, क्योंकि मसाला जो है फिर ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमने 2 टीस्पून ही पिसी धनिया हमने इसमें ऐड करी है। तो गाइस, अब हम इसमें हरी धनिया कटी हुई मिला देते हैं। हमारी जो सब्जी है गोभी की, ये पक चुकी है अच्छे से, फ्राई हो चुकी है मतलब। अब इसको उतार लेते हैं और धनिया को कर लेते हैं मिक्स पहले। गोभी जो हमारी पक चुकी है, अब इसे उतार लेते हैं प्लेट में। बस अभी इसे निकाल लेते हैं प्लेट में, ये हो गई ठंडी, 5 मिनट तक इसे भूनना होता है। ये हमारी हो चुकी है गोभी ठंडी। और अब बनाते हैं समोसे और बढ़ते हैं मैदा की तरफ। तो गाइस, ये गोभी में हम साबुत धनिया मिला रहे हैं, इसको हमने थोड़ा सा रोस्ट करा था, और अब इसको हाथों से क्रश करके मिला देना है ऐसे, जिससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया बनता है। ऐसे आपको मिला देना है गोभी में। और अब मैदा की तरफ अपने बढ़ते हैं, बनाते हैं समोसे। तो गाइस, ये हमने मैदा लिए, ये 1 किलो मैदा है, और अब हम इसमें मिला रहे हैं अजवाइन। ये अजवाइन है 1 से 2 टीस्पून, और अब इसमें क्रश करके मिला देते हैं ऐसे अजवाइन को। गाइस, अब हम इसमें मिला देते हैं नमक 3 टीस्पून, बाकी आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं। 3 टीस्पून हम इसमें नमक मिला रहे हैं। तो गाइस, ये हमने रिफाइंड लिया है, और ये 1 गिलास ये रिफाइंड है छोटा, और अब ये मिला देते हैं पूरा इसमें मैदे में। तो गाइस, अब हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा ऑयल में, और अब मैदा को मल लेते हैं।
तो गैस हमारे जो मैदा है ये मल चुके हैं बढ़िया तरीके से, तो चलो बना लेते हैं अब समोसे। इसकी लोई काट लेते हैं। तो गैस अब लोई तोड़ लेते हैं समोसे के लिए। फिर इस तरीके से आपको लोई जो है बेल लेनी है। हमारी जो लोई है बेल ली हमने, और अब इसको काट लेते हैं इस तरीके से। ये दो भाग हमने बना लिए हैं, ये देखो। तो गाइस आपको इस तरीके से पानी लगा लेना है पहले थोड़ा सा, फिर इस तरीके से फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। आपको स्टफिंग लेनी है गोभी की और इसमें भरना है। इस तरीके से चारों तरफ पानी लगा देना है, फिर फोल्ड आपको इस तरीके से कर देना है। तो गाइस ये समोसा बन के हो गया रेडी एक, ऐसे दूसरे को भी कर लेते हैं। इसमें स्टफिंग बननी है ऐसे, और ऐसे दबाना है, हल्का सा पानी लगाना है और ऐसे फोल्ड कर देना है। ये हमारे समोसा ही बन गया भाई। हमारे जो है चारों समोसे बन के हो गए रेडी, अब इनको फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से आपको भरने हैं और चलो करते हैं फ्राई। तो गाइस ये हमने कढ़ाई लिया और इसके अंदर हमने फिर से रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, और अब हम इस समोसे में इसको फ्राई करते हैं। तो चलो डाल देते हैं समोसे। इस तरीके से आपको समोसे डाल देने। तो गाइस आपको जो गैस का फ्लेम है वो आपको लो ही रखना है, ज़्यादा तेज नहीं करना है, धीमी आंच में ही ये पकेंगे। तो गाइस हमारे जो समोसे पक चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में और आपको दिखाते हैं एक प्लेट में बढ़िया तरीके से। अब इन्हें निकाल लेते हैं समोसे को, इस तरीके से आपको भूंजने हैं मतलब फ्राई करने हैं। तो चलो आपको लगा के दिखाते हैं प्लेट में। तो गाइस हमारे जो समोसे बनकर बिल्कुल हो गए रेडी, ये देखो। और आप भी अपने घर में ज़रूर बनाना, सभी को खिलाना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक का बटन ज़रूर से दबाना। तो चलो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस जैसा कि आपने देखा समोसे बनके हो गए बिल्कुल रेडी, हमने आपको वीडियो और रेसिपी दोनों दिखा दी। तो आप भी ज़रूर अपने घर में बनाना और सभी को खिलाना। तो चलो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। टाटा, जय हिंद, जय भारत एंड टाटा बाय बाय।